आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अकाउंट से रिटेल ग्राफ सॉफ्टवेयर फॉर गॉमेट स्टोर के बारे में रिटेल ग्राफ सॉफ्टवेयर आपको सिस्टमेटिक तरीके से आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करता है जिससे आप कॉस्ट को एक्यूरेटली मेंटेन एनालाइज एंड कंट्रोल कर पाते हैं ये सिर्फ ना इन्सिंग इन्वेंट्री कंट्रोल करता है बल्कि अकाउंटिंग में भी बहुत हेल्प करता है रिटेल रिटेलग्राफ्ट गॉम सॉफ्टवेयर उन सभी एस्पेक्ट्स को कवर करता है जिनमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑनलाइन बिलिंग आदि शामिल है ये बहुत फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग भी देता है आप किसी भी रिपोर्ट को सर्च सॉर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये ऑनलाइन बिलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे अलग से अकाउंटिंग मेंटेन करने में लगने वाला टाइम मनी एंड एफर्ट भी सेव होते हैं ऐसे में सारे अकाउंटिंग टास्क सॉफ्टवेयर के थ्रू इजीली मैनेज हो जाते हैं तो आइए अब जानते हैं कि रिटी सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग को कैसे मैनेज किया जाता है आपको बता दें कि रिटेल ग्राफ्ट सॉफ्टवेयर में सेल्स परचेस रिसीट और पेमेंट एप के जरिए कई तरीके के ट्रांजेक्शन और टास्क कंप्लीट किए जाते हैं और इनकी एंट्री अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली होती रहती है अकाउंट्स एंट्रीज को मैनेज और व्यू करने के लिए हम होम स्क्रीन पर अकाउंट्स टैब पर क्लिक करेंगे यहाँ कई हेल्पफुल ऑप्शंस आप देख सकते हैं बैंक रिकनसलेशन ऑप्शन पर क्लिक करके बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैलेंस एज पर अकाउंट बुक्स को कंपेयर कर सकते हैं ये सुनिश्चित करता है कि जिस दिन पेमेंट प्रोसीड किया गया हो उसी डेट को पैसा जमा किया गया है इसके बाद जनरल वाउचर ऑप्शन के जरिए सभी तरह की एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती है आमतौर पर जनरल वाउचर के जरिए नॉन कैश ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड किया जाता है वही रिसिप्ट वाउचर सर्विसेज या सेल किए गए प्रोडक्ट्स के लिए मैनुअली रिटर्न रिसिप्ट होती है पेमेंट वाउचर का यूज पेमेंट से जुड़े सभी तरीके के ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए, के लिए किया जाता है चाहे वह कैश हो या बैंक के जरिए किए गए हो वही कॉन्ट्रा वाउचर ऑप्शन के जरिए वो एंट्री की जा सकती है जो कैश और बैंक दोनों से जुड़ी हो जैसे आपके बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट या कैश विदड्रॉल्स वही वेरीफाई वाउचर ऑप्शन का यूज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में वाउचर को क्लियर करने के लिए किया जाता है पेटीएम रजिस्ट्रेशन के जरिए अकाउंट्स को पेटीएम से लिंक किया जाता है यहाँ नेम और पासवर्ड आदि फिल करके आप प्रोसीड कर सकते हैं टी रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में टीसीएस से रिलेटेड डिटेल्स होती है टी एक तरीके का ये टैक्स होता है जिसे सेलर बायर से कलेक्ट करता है वही अब बात करें अकाउंटिंग रिपोर्ट्स की तो आप रिपोर्ट टैब पर क्लिक करके अकाउंट रिपोर्ट्स में उन्हें देख सकते हैं डे बुक्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप डेली होने वाले ट्रांजेक्शन का टैक्स वाइज बाइफिकेशन डेट रेंज ऐसी फिल्टर करके देख सकते हैं लेजर डिस्प्ले के जरिए किसी भी अकाउंट से रिलेटेड लेजर अकाउंट कर सकते हैं वही जनरल लेजर कंपनी के सभी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है यह ट्रायल बैलेंस तैयार करने में मदद करता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट है ट्रायल बैलेंस सिलेक्टेड पीरियड और ट्रायल बैलेंस ऑप्शन पर क्लिक करके आप लेजर का बैलेंस सही है या नहीं वो चेक कर सकते हैं वही प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑप्शन से कंपनी के सभी एक्सपेंसेस और इनकम के बाद हुए नेट प्रॉफिट और लॉस की जानकारी ली जा सकती है वही बैलेंस शीट के जरिए किसी भी डेट पर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को रिपोर्ट के जरिए देखा जा सकता है साथ ही अकाउंट रिपोर्ट में फंड ऑप्शन से डेट फिल्टर करके कंपनी के एक्चुअल कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो के रिकॉर्ड को देखा जा सकता है वही अकाउंट टूप डिटेल्स और बैंक रिकनसाइलेशन रिपोर्ट भी आपके बिजनेस के लिए बहुत यूजफुल है साथ ही अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन टैब पर क्लिक करके इंटरेस्ट रेट के मुताबिक कैलकुलेशन करके रिपोर्ट जनरेट की जा सकती है बैंक स्टेटस रिपोर्ट से किसी भी डेट पर बैंक अकाउंट का स्टेटस देखा जा सकता है इसके अलावा कैश डिनोमिनेशन रिपोर्ट भी यहाँ व्यू पर क्लिक करके देखी जा सकती है और टीसीएस पेड और टीसीएस कलेक्शन भी चेक कर सकते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ सभी रिपोर्ट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं तो ये था अकाउंट रिटेल ग्राफ्ट सॉफ्टवेयर फॉर गारमेंट स्टोर का डिटेल वीडियो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद